नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी सिक्किम, सी चंडीगढ़, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ए राजस्थान, आपका उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, पूरे विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? आपका ऑप्शन है ए 1825 में, बी 1830 में, सी 1835 में, डी 1840 में। आपका सही जवाब होगा ए 1825 में, आपका उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए अबू धाबी, बी सिंगापुर, सी टोक्यो, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी सिंगापुर, आपका उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? आपका ऑप्शन है ए 5 वर्ष बाद, बी 8 वर्ष बाद, सी 10 वर्ष बाद, डी 15 वर्ष बाद। आपका सही जवाब होगा सी 10 वर्ष बाद, आपका उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, भवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपका ऑप्शन है ए घर, बी मंदिर, सी धाम, डी महल। आपका सही जवाब होगा ए घर, आपका उत्तर होगा। आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, छे चना का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी असम। आपका सही जवाब होगा बी उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई? आपका ऑप्शन है ए सन 1950 में, बी सन 1960 में, सी सन 1955 में, डी सन 1952 में। आपका सही जवाब होगा ए सन 1950 में, आपका उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, डॉट भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए अलीगढ़ में, बी अमरावती में, सी मुरादाबाद में, डी दिसपुर में। आपका सही जवाब होगा सी मुरादाबाद में, आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है, नौ पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जीव रहने के कारण, बी ग्रह होने के कारण, सी जल के उपस्थिति के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी जल के उपस्थिति के कारण, आपका उत्तर होगा। आपका दसवां सवाल है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना
समय लेता है। आपका ऑप्शन है ए 70 दिन, बी 80 दिन, सी 85 दिन, डी 88 दिन। आपका सही जवाब होगा डी 88 दिन। आपका उत्तर होगा, आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बुलबुल, बी हमिंगबर्ड, सी गौरैया, डी तोता। आपका सही जवाब होगा बी हमिंगबर्ड। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 12। ओलंपिक के 5 छल्ले किसे दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए शक्तिशाली देश को, बी महाद्वीपों को, सी खिलाड़ियों को, डी महासागरों। आपका सही जवाब होगा बी महाद्वीपों को। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 13। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हाथी, बी बाघ, सी घोड़ा, डी जिराफ। आपका सही जवाब होगा डी जिराफ। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 14। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। आपका सही जवाब होगा बी मुंबई। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 15। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए लिखित, बी कथित, सी पठित, डी अलखित। आपका सही जवाब होगा ए लिखित। आपका उत्तर होगा, आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका देश का, बी ऑस्ट्रेलिया देश का, सी पाकिस्तान का, डी भूटान का। आपका सही जवाब होगा बी ऑस्ट्रेलिया। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 17। सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए घोड़ा, बी बाघ, सी हिरण, डी चीता। आपका सही जवाब होगा डी चीता। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 18। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए मुद्राएं बनाना, बी क्रोध करना, सी तेवर बदलना, डी रंग बदलना। आपका सही जवाब होगा बी क्रोध करना। आपका उत्तर होगा, आपका अगला सवाल है 19। लाल किला को किसने बेच दिया था? आपका ऑप्शन है ए मोदी जी ने, बी राहुल गांधी जी ने, सी नटवरलाल ने, डी चोर ने। आपका सही जवाब होगा सी नटवरलाल ने। आपका उत्तर होगा, अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? आपका ऑप्शन है ए 27 राज्य, बी 28 राज्य, सी 29 राज्य, डी 30 राज्य। आपका सही जवाब क्या होगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।